फैसला लिया गया है और क्यों लिया गया है ये फैसला, क्योंकि सरिता गिरी ने नेपाल के नए नक्शे का संसद में विरोध किया था। सरिता गिरी ने दरअसल नेपाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे संसद में। आपको यह भी बता दें, सरिता गिरी ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि ये सब कुछ यानी नेपाल का जो नया नक्शा है वो चीन के इशारे पर आया है और भारत से संबंध बिगाड़ने की साजिश के तहत लाया गया है। तो सरिता गिरी, नेपाल के नए नक्शे का उन्होंने विरोध किया, चीन की जो संलिप्तता है जिसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कैसे नेपाल में जो सरकार है वो चीन के इशारों पर काम कर रही है, जिसमें चाइना की जो राजदूत है उनका रोल काफी अहम बताया जा रहा है भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स को भड़काने में, उसी पर सवाल पूछते हुए सरिता गिरी, जिन्होंने नए नक्शे का विरोध किया था और साथ ही ये कहा था कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की साजिश, नेपाल के संबंध बिगाड़ने की साजिश चीन के इशारे पर, और नेपाल की सांसद है सरिता गिरी, उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर। हमारे साथ सरिता गिरी जी ही फोन लाइन पर हैं। सरिता गिरी जी, सबसे पहले तो आपका कमेंट, आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, जनता समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, मैम आपका कमेंट। नहीं, अभी उन लोगों ने निर्णय किया है, लेकिन पहले ये लोग संसद सचिवालय को लिखेंगे और जब तक संसद सचिवालय उसके बारे में कोई निर्णय नहीं करती है इसको बर्खास्तगी नहीं कहा जा सकता है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है और लेकिन हमारे जो देश का जो कानून है उस कानून के अनुसार पार्टी की केंद्रीय समिति के द्वारा ही इस बारे में कोई निर्णय होना चाहिए। केंद्रीय समिति हमारी जिस पार्टी के नाम से कार्रवाई हुई है वो 425 लोगों की केंद्रीय समिति है, उस केंद्रीय समिति को नहीं बैठाया गया है, इसलिए अभी कुछ पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है। मैं इसको अदालत में मैं सर्वोच्च अदालत को मैं मूव कराने की तैयारी कर रही हूँ। मैम क्लैरिटी के लिए आप ये कह रही हैं कि केंद्रीय समिति के पास ये अधिकार है लेकिन केंद्रीय समिति की तो कोई बैठक हुई नहीं है, ये पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ये एक्शन लिया है? जी, और एक्शन लिया है वो मीडिया से सुन रही हूँ, अभी तक मेरे हाथ में कुछ लिखित नहीं आया है, यहाँ तक कि मीडिया के पास भी कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं गया है, तो जो मीडिया में आ रही है वही है खबर, तो आधिकारिक जब तक कुछ नहीं आएगा, एक्चुअली किस ग्राउंड पे हम लोगों ने किया है वो भी पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेरी पार्टी की सदस्यता और मेरी संसद सदस्यता को समाप्त करने का पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय की जानकारी उनको सभामुख को करानी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा। सरिता गिरी जी, सवाल ये उठता है, आपने नए नक्शे का विरोध किया, आपने ये कहा चीन के इशारे पर नेपाल की सरकार काम कर रही है, भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि आपने ये बातें उठाई इसलिए सजा मिल रही है, इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से मेरा ये कहना था कि जो नक्शा जो लाया गया है उसका कुछ संधि और प्रामाणिक आधार होना चाहिए, तो बिना किसी संधि के और प्रामाणिक आधार के जो ये संशोधन की प्रक्रिया हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, मैंने उसी के बारे में प्रश्न किया था कि इस नक्शे का स्रोत और प्रमाण खुलाया जाए, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को उससे परेशानियां हो गई क्योंकि मैंने एक बहुत वस्तुगत एक प्रश्न उठाया था। तो दूसरी बात है कि निश्चित रूप से मैं इस बात को देख रही हूँ कि इससे भारत और नेपाल के बीच में जो एक प्राकृतिक किस्म का संबंध है इससे खलल पहुंच रही है और इससे आम जनता का जीवन बहुत मुश्किल होने जा रहा है अगर इसको इस समस्या का हम लोग समाधान नहीं करें, तो फिर निश्चित रूप से ये संबंधों में दरार आई है और मैं ये संबंध नहीं बिगड़े, ये खुली सीमा बरकरार रहे, दोनों तरफ के लोगों को आने जाने की सुविधा हो, उनकी जनजीविका सुरक्षित रहे, इसके लिए मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ काम बिना भारत और चीन के साथ वार्ता किए हो। यहाँ चीन की भी बात थी क्योंकि चीन के साथ भी नेपाल की संधि हुई है, उस बात को भी छिपाया गया है, तो 1961 में जो चीन के साथ नेपाल की संधि हुई है अगर उसको और उसके बाद भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इंडिया के साथ ना आपका 1862 में जो संधि हुआ है, 1950 में जो आपका भारत के साथ संधि हुआ है और यूएन को नेपाल ने जो नक्शा भेजा है, इन सभी बातों को रख के टेबल पे इस समस्या को सुलझाया जा सकता था, लेकिन कमियां हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता गिरी जी, अपनी बात इतने मुखर अंदाज में जी न्यूज पर रखने के लिए और वक्त देने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी।
Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.